हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बनाएंगे पकोड़े और आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याज ले लिया है बड़ा लंबे लंबे, और एक आलू, आलू को मैंने छिलके समेत ही ग्रेट कर लिया था मोटे वाले साइड का। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़े से ऐड करेंगे अपने मसाले। इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है मैंने, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेना आप लोग। फिर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, ये देखिए। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसके बाद में इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख लीजिए, कॉर्नफ्लोर अगर आप लोग को कम लगे तो डाल लेना। मैंने एक डेढ़ चम्मच यूज़ कर लिया था, मुझे थोड़ा सा पहले कम लगा, फिर दोबारा से मैंने एक चम्मच और ऐड किया था। पहले एक ही डाला था लेकिन आलू ज़्यादा था। और इसमें मोटे मोटे आप लोग हरी मिर्च ज़रूर डालना, अगर करारा खाना पसंद करते हो, बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप ऐसे ही बनाना प्लीज़, क्योंकि बच्चे जो ज़्यादा मिर्च खाते नहीं हैं। अगर अपने लिए बना रहे हो तो मोटी मोटी मिर्च ऐड करना, और देखना क्या मज़ा आता है इस पकौड़े को खा के। अब वन बाई वन करके हम सारे फ्राई कर लेंगे। तेल मैंने गर्म कर लिया था, अब इसमें हम जितने पकौड़े हमने डाल आ जाए उतने डाल लेंगे, अच्छे से फिर फ्राई कर लेंगे। और बताना ज़रूर दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। ये देखिए, बहुत टेस्टी बनते हैं, ट्राई ज़रूर करना। बेसन के पकौड़े तो आपने बहुत बार खाए हैं, लेकिन एक बार ये वाले ज़रूर से ट्राई करना। ये देखिए, मेरे पकौड़े ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी। आप लोग भी बनाइए और खाइए, बच्चों को भी बना के खिलाइए। और प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग सपोर्ट करना मुझे थोड़ा सा, मैं भी नवी हूँ। हर हर